बिस्मिल्लाह। सर, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना? यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के दरमियान सर क्या फर्क है, और उसकी वैलिडिटी की क्या एक्सटेंड है सर, कि मतलब एक एक कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से इन्फोर्सेबल हो सकता है? क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्या वो वॉइड भी हो सकता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, इसी तरीके से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर, ये हमने सब पढ़ लिया था और अब हमारा आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। सर, एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ असेंशियल्स होने बहुत जरूरी है जब के जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जबकि एक एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक ये ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि होता ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस से ही है, लेकिन इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक बंदा आया सेल्स का, उसने बोला कि भाई आप अपना प्रोडक्ट मुझे 100 का नहीं बल्कि 98 का भेज दो, तो अब ये क्या है, ये एग्रीमेंट है, मेरा उससे एग्रीमेंट हो गया, लेकिन मैंने अभी तक उसके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बाय कंडक्ट किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैंने उससे बात की, हम लोग जो राजी हुए, हम लोग एक ही डिसीजन पे जो बैठ के राजी हुए हैं उसको एग्रीमेंट कहते हैं, और जो हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उस चीज का, यानी कि हम जो उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेंगे उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सर, उसके बाद हमने तमाम चीजें पढ़ने के बाद फिर डायरेक्ट आगे थे कि असेंशियल्स क्या है सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या है, असेंशियल्स मतलब कि अगर ये ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। सही है ना? मैंने बड़ी आसानी से बात बोल दी कि मैंने उससे बात की बैठ के तो मेरा एग्रीमेंट था, जबकि मैंने उससे बैठ के उसके साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो सर, कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा बेटा? जब ये सारी चीजें होंगी, ये ऑफर, लीगल। अब आगे को पढ़ लेते हैं और आगे भी इसको डिटेल में भी पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि ऑफर होना और एक्सेप्टेंस दोनों का होना बहुत जरूरी है, सही है ना? ऑफर लॉफुल ऑफर होनी चाहिए, ऑब्वियसली। ऐसा ना हो कि भाई मैं तुम्हें वही वाली एग्जाम्पल के, मैं तुम्हें बगैर लाइसेंस के एक वेपन दे रहा हूँ जो तुम्हारे पास, जिसको यूज करने का राइट भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसी ऑफर है जो कि लॉफुल ऑफर नहीं है, सही है? अब आपके दोस्त ने ट्रीट मांगी, आपने बोला ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें रमजान के दिन में दोपहर 2 बजे जिस रेस्टोरेंट में बोलोगे तुम उस रेस्टोरेंट में, या किसी भी एक रेस्टोरेंट का नाम दे दिया जो कि बड़ा रेस्टोरेंट था, कि वहां पर तुम्हें ट्रीट दूंगा, तो क्या ये एक लॉफुल ऑफर है? लॉफुल ऑफर ही नहीं कहलाएगी, ठीक है ना? इसी तरीके से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी बगैर कंडीशन की होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए बगैर कंडीशन, ये सारी चीजें इसकी होना जरूरी है। और ये यार खबरें आ रही हैं कि कोई मुकम्मल लॉकडाउन लग रहा है, ऐसा कुछ सूरतहाल बनने को आ रही है, तो अपना अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करें कि किसी भी ऐसी चीज जो कि बहुत जरूरी नहीं है उसके लिए बाहर मत जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ईद की शॉपिंग तो कर ले लेकिन खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसी चीज है, ऐसे कोई नागाना वाकया पेश आ जाए जो कि तमाम चीजों को बर्बाद कर दे, ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा असेंशियल्स पढ़ने के, क्या असेंशियल्स क्या है सर, क्या चीजें होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर ये चीजें ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, सही है ना? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, लीगल ऑब्लिगेशंस की इंटेंशन होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि उसने बोला कि यार मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ 10,000 का, अब मैंने बोला कि हाँ ऐसे, मैंने हाँ ऐसे बोला कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, बट मैंने उसको हाँ कर दिया बगैर इंटेंशन ऑफ परचेजिंग दैट, तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगी किसी पे भी, किसी भी पार्टी पे, क्यों? क्योंकि एक तरफ से इंटेंशन थी ही नहीं। सर, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि मैं तुम्हें मोबाइल दे रहा हूँ, तुम मुझे अपने अब्बा की पिस्तौल लागे दे दो, सही ना? पिस्तौल लागे दे दो, 9 mm लागे दो, तो ये क्या हुआ, वो 9 mm जो कि विदाउट लाइसेंस थी, तो सर ये कैसी कंसिडरेशन है, एक ऐसी कंसिडरेशन है जो कि लॉफुल नहीं है, हम कंसिडरेशन को आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सही है? फिलहाल कंसिडरेशन का मतलब ये समझ लो कि मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट मैं
चीज देता हूँ किसी को भी, सही ना, उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है, कोई ना कोई प्रॉमिस होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी सामने वाले को अंजाम देनी पड़ती है, ठीक है, कौन जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, जो ऑफर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर सर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के मतलब पार्टीज की क्या कैपेसिटीज हैं, पार्टीज क्या लीगल एम्बिट में, लीगल फ्रेमवर्क में वो क्वालिफाइड है टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी कोर्ट या लॉ के मुताबिक नहीं बन सकते, सही है, पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते, या वो अनसाउंड माइंड के हैं, या इंसेन है, या पागल है, ठीक है, तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का ये मतलब है। सर फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मैं ऑफर जिसको दे रहा हूँ और जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो जिससे मैं एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ उसकी और जो ऑफर दे रहा है उस दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, और वो भी फ्री होनी चाहिए, फ्री मतलब पाक होनी चाहिए किसी भी किस्म के अनयूजुअल तरीके से। सर अनयूजुअल तरीके क्या हो सकते हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूँ कि मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं 2,000 का मोबाइल तुम्हें 10,000 का दे रहा हूँ, उसने बोला क्यों, तो मैंने बोला कि भाई मैं दे रहा हूँ तुम्हें लेना पड़ेगा 10,000 का, उसने बोला मैं पागल थोड़ी भैया, 2,000 की चीज 10,000 में क्यों लूँ, तो मैंने उसको पिस्टल दिखाई, मैंने बंदूक दिखाई, मैंने बोला बेटा ले लो, गन पॉइंट पे ले लो, तो उसको क्या हुआ, उसको लेनी पड़ी, इट मीन्स कि मैंने उसको डरा के धमका के उसकी एक्सेप्टेंस की, तो ये एक फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बाद सर लॉफुल ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एक ऐसा लीगल ऑब्जेक्ट जो कि लीगल ना हो, जो कि लीगल हो, इमोरल हो, सही है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें राइटिंग इन रिटन होना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दी कि मैंने अपना 100 रुपए का प्रोडक्ट उसको 98 का बेचने का फैसला किया है, तो अब मुझे ये चीज रिटन में कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देनी पड़ेगी, ओरली हम ये चीज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आगे जाके ऑडिट ट्रायल बनेगा। उम्मीद है कि आपने ऑडिट भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने बात पढ़ी होगी, ऑडिट ट्रायल होता है, ऑडिट एविडेंस बनता है आगे जाके, ठीक है, तो अगर मैं ओरल बात करूंगा तो मैं एविडेंस कैसे दिखाऊंगा, हवा में से अपने अल्फाज सुन के थोड़ी दिखाऊंगा उसको यार, सही है। सर सर्टिनिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक एक अजीब और गरीब चीज पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तय हो रहा हो, कि अगर मैं तुम्हें 100 का प्रोडक्ट 98 में दूंगा अगर आज बारिश हुई तो, यार ये क्या बात हुई भाई, सर्टेनिटी नहीं है, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, सही है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जो एग्रीमेंट अंजाम देने वाले हो इम्पॉसिबल ना हो, सही है, यानी कि मैं तुम्हें मोबाइल दे रहा हूँ 2,000 का, सामने वाला बंदा कहता है हाँ सही है 2,000 का मिल रहा है, 10,000 वाला मोबाइल 2,000 का मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कि मैंने बोला 2,000 के साथ तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मैंने उसने बोला क्या, मैंने बोला तुम्हें दूसरे मंजिल से छलांग मारनी पड़ेगी, अगर तुम जिंदा बच गए तो 2,000 का ले लेना, दैट मींस कि ये परफॉर्मेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो है ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस, जो एक्सेप्ट कर रहा है बंदा उसने जो परफॉर्म करना है वो परफॉर्मेंस भी सर्टेन हो, परफॉर्मेंस भी पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ऐसा ना हो कि वो कानून किसी और कानून के तहत या किसी भी किस्म के कानून के तहत वो वैसे ही वॉइड हो, यानी कि वो वैसे ही इनवैलिड हो। सर क्या मतलब, देखो मैंने अपने दोस्त को 10 रुपये 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, अच्छा भाई 10 लाख सर दिया आपने, मैंने बोला कि भाई जाओ जो मेरी एक्स है उसकी शादी ना हो पाए, अब उसने बोला कि ठीक है, अब उसने 10 लाख ले लिए और उसने शादी रुकवाने की पूरी कोशिश करी, अब क्या हुआ, शादी ना रुक सकी भाई, शादी हो गई, अब क्या हुआ भैया कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि किसी की शादी रुकवाना इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वॉइड, ठीक है ना, एक वॉइड एग्रीमेंट, एक वॉइड, तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो या इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो, सही है, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है एज अ वॉइड, ठीक है। अच्छा सर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का बता दिए, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की सर क्या एग्जांपल होगी, एक बंदे को मैंने पैसे दिए कि तुम जो कानून, तुम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो मत करो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड को रोकना, क्यों, ट्रेड होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, सही है ना। सर ये कोई कौन सी एग्जाम्पल हुई, कौन किसको पैसे देगा काम ना करने के, देखो बेटा मैं लेट सपोज एक बहुत पॉलिटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मेरा, मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ और मुझे एक जगह अपना ऑफिस बनाना है, सही है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बनाना,
अब वहां पर कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई यहाँ से आप जगह खाली कर दें। वो बोलेगा कि भाई ये तो मेरी लीगल जगह है, यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है भैया, मैं तुम्हें कैसे खाली करके दूँ। तो मैं बोलूंगा अच्छा काम करो, तुम मुझसे इतने इतने पैसे ले लो, मार्केट से बहुत ऊपर पैसे होंगे सही। अगर लेट सपोज कोई 80 लाख की जगह है, तो मैं उसको बोलूंगा 8 करोड़ ले लो भाई, 8 करोड़ लेके छोड़ दो जगह। जाहिर सी बात है ना, अब 80 लाख का 8 करोड़ देगा तो कौन नहीं छोड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो उसको 8 करोड़ दे के वो जगह ले लेगा। तो इसका मतलब कि उसने ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। सही है सर। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आगे, सर क्या होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि अगर ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सही ना, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो मैं ऐसा ऐसा दूंगा। सही है। अब लेट सपोज मैंने एक बंदे को 10,000 रुपये दिए, सही है। अब बंदे का नाम है मिस्टर शकूर, ठीक है, शकूर, शकूर साहब को मैंने 10,000 रुपये दे दिए, और मैंने उनको बोला कि अब आप मुझे ये 10,000 अगले 10 महीनों में 1-1,000 करके देते रहिएगा, ठीक है।
जी जनाब सर, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, किसी ना किसी चीज के करने या ना करने पे डिपेंड कर रहा हूँ। सही है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी अप टू 20,000 इन कंसीडरेशन ऑफ बी पेइंग 1,000 एनुअल प्रीमियम इफ बी फैक्ट्री इज बर्न। दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर कर ले तो एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री जल गई तो मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, इसके बदले आप मुझे हर साल 1,000 रुपये देते रहिएगा। सही है ना? तो एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आप हर साल 1,000 रुपये देते रहे, आपके चाहे 1 साल या 2 साल बाद जब आपसे 2,000 भी जमा हुए होंगे मेरे पास, मैं आपको पूरे 20,000 इंडेमनिफाई करूंगा। सही है। असेंशियल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? इसके सिर्फ दो ही असेंशियल हैं। अब देखो बहुत सारी फिर इसमें क्योंकि सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो इसलिए उसके दो असेंशियल साफ साफ बता दिए गए हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। सही है। एक तो ये चीज होनी चाहिए कि किसी ना किसी इवेंट के होने या ना होने पर होता है ये, जो कि जिसका फ्यूचर क्या हो अनसर्टेन हो। सही है। क्योंकि अगर फ्यूचर सर्टेन हो जाएगा तब भी कंटिजेंट नहीं कहलाएगा, और किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की वजह से हो। सेकेंड असेंशियल क्या है सर? द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कोलेटरल, यानी कि इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सही है। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट से इंसिडेंटल ना हो, यानी कि अगर मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ हर साल, तो आपने मुझे वादा किया 20,000 देने का कि जब मेरी फैक्ट्री चलेगी, तो ऐसा ना हो कि आप बोलो कि मैं आपको 1,000 रुपये तो दे रहा हूँ लेकिन आप 2 साल बाद मुझे 20,000 ना दो मेरी फैक्ट्री चलने पे, बल्कि 2,000 ही दो। तो इंसिडेंटल जो है वो कोलेटरल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के। सर ये दो असेंशियल्स पूरे होना जरूरी है। अच्छा सर रूल्स क्या है? रूल्स हमें दिए हुए हैं, 6 रूल्स हैं जो कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स कहलाते हैं। सबसे पहला क्या रूल है सर? कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। जब तक सर फैक्ट्री नहीं जलेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कहलाएगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट डू एनीथिंग इफ एनी सर्टेन इवेंट हैपेंड डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। ठीक है। अच्छा जी भाई, अगर किसी चीज के ना होने से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा सिर्फ तभी वो इन्फोर्सेबल हो पाएगा। जैसा कि भाई अगर शिप यहाँ तक पहुंच गई, शिप आ रही है बहरे अरब क्रॉस करते हुए दूसरे मुल्क से, अगर वो शिप सही सलामत यहाँ पहुंच गई और ना डूबी, सही ना, फ्यूचर इवेंट दैट डज नॉट हैपन। अब ये क्या, ये किसी पे डिपेंड करे? एक ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है जो कि ना हो, यानी कि शिप ना डूबे, इसका कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? शिप ना डूबे। सो ये क्या हो गया? ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था क्या होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो डज का तो समझ में आ गया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन तो समझ में आ गया था कि भाई ये घर चल गया। अब ये ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि डज नॉट हैपन, कि ना होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा? तो इसकी एग्जांपल यही है कि मैंने बोला कि मेरी शिप अगर ना डूबी और अरब हैर एयर क्रॉस करके मेरे पास यहाँ पहुंच गई कराची में केवाड़ी पे, तो मैं तुम्हें तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। सही है। और इसकी लीगल कंसिडरेशन और लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट होगी? कि जब वो डूब जाएगा। ठीक है ना? अगर डूब गया तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा। सर तीसरा रूल ये है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम कोई लोन नहीं है तो ऐसा ना हो सका बी सी से ना कर पाया शादी और सी ने शादी कर ली डी से। ठीक है। क्यों? क्योंकि डी चिल्ला कटवा के आया होगा और महबूब आपके कदमों में। सही है ना? तो सी ने डी से कर ली शादी। सर द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल ऑल्दो इट इज इम्पॉसिबल दैट डी मे डाई, ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी मे डाई एंड दैट सी मे आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। इफ लेटर बी एक्चुअली मैरी सी it will not revive the old obligation of A to pay the sum because that came to an end when C marriage D। सही ना? क्या मतलब? आप दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा पहले एग्जांपल समझ लो। भाई ए ने बी को बोला कि भाई तुमने अगर सी से शादी की तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बी ऐसा ना कर पाया, सी से शादी ना कर पाया और सी ने शादी कर ली डी से।
ठीक है, अब बी और सी की शादी इम्पॉसिबल हो नहीं सकती ना, क्योंकि सी और डी की शादी हुई, सही है। अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कि भाई मैं तुम्हें बी बी मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लो, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है कि खत्म हो जाएगा, रूल कहता है खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो जो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल हो गया एक एक जो परफॉर्मेंस थी, वो कह रहा है कि अगर आफ्टरवर्ड्स अगर ऐसा हो जाए कि डी की मौत हो जाए, सही है, डी मर जाए और जो डी की विडो है यानी कि अब सी दोबारा से सिंगल हो गई ना वो, तो बी उसके पास दोबारा आया और उसने दोबारा ऑफर की और फिर जो है वो डी के मरने के बाद सी की शादी हो गई, फिर बी पहुंच गया कि बस चलो बेटा पैसे निकालो तुमने प्रॉमिस किया था ना, तो रूल ये कहता है कि अब बी ए से नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसी वक्त इम्पॉसिबल होकर खत्म हो गया था जब सी की शादी डी से हो गई थी, सही है। सो इट विल नॉट रिवाइव द ओल्ड ऑब्लिगेशन ऑफ ए टू पे द सम टू बी, सही। सर चौथा, इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस, अच्छा पहले तीसरा वाला दोबारा मैं लफ्जों में पढ़ दे रहा हूं। If a contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which rendered it impossible. भाई एक अब अगर जिस पार्टी दो पार्टी में से एक बंदे ने अगर ऐसा कर दिया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट अब वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, तो उसी वक्त क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा उसी टाइम, सही ना। When such person does anything rendered impossible, that he should so act within any definite time. ठीक है ना, इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स्ड टाइम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्या कहता है कि अगर एक अनसर्टेन इवेंट हो रहा है विद इन अ फिक्स्ड टाइम, तो अभी क्या होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा, सही है। इसकी भी एग्जांपल ले लेंगे, पहले पूरा पढ़ लूं। इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर द टाइम फिक्स, सही है। ऊपर वाली एग्जांपल भी वैसे इसमें फिट हो सकती है कि उस टाइम तक क्या हुआ, बी की शादी नहीं हुई सी से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे वॉइड हो जाएगा। लेकिन इसके दोबारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अ प्रॉमिस ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी एज अ लोन इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, वो कह रहा है कि एक शिप गई थी, अब वो अगर एक साल के अंदर अंदर वापस आ गई तो ए बी को पैसे देगा। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इनफोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, अगर एक साल के अंदर अंदर आ गई सिर्फ तभी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, अदरवाइज अगर वो एक साल के अंदर अंदर ना आई, जल गई या किसी भी वजह से रिटर्न ना हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से इफ अ सर्टेन इफ अ रूल नंबर 5, इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स्ड टाइम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ व्हेन द फिक्स्ड टाइम हैज एक्सपायर्ड एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर द टाइम हैज एक्सपायर्ड इफ इट बिकम्स सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन। एग्जांपल लेते सर, promises to pay via sum of money as insurance claim if a certain ship does not return within a year, the contract may be enforced if the ship does not return within a year or is burned within a year. Sir, इसमें और ऊपर वाले में सिर्फ छोटा सा फर्क ये है कि ऊपर वाले में does or does not happen दोनों बताया होगा, सही ना, कि अगर वो आ गया तब और अगर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ does not happen की बात बता रहे हैं कि अगर वो ना आया तो ही insurance claim दिया जाएगा, सही है। रूल नंबर 4 में क्या था कि अगर आ गया तो और अगर ना आया तो, सही। रूल नंबर 5 में ये है कि अगर ना आया तो सिर्फ की बात हो रही है कि अगर ना आया, डज नॉट हैपन वाली केस की बात हो रही है। सर रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं, कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स आर वॉइड इफ एन इंपॉसिबल इवेंट हैपेंस वेदर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। सर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ए एग्रीज टू पे बी 1000 as a loan if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of the agreement is so simple सी बात है, वो कह रहे हैं कि contingent agreements void हो जाते हैं if an impossible event happens whether the possibility of the event is known or not known to the parties to the agreement, सही ना। अगर A तो चलो C A की बेटी है, उसको तो पता चली जाएगा कि मर गई, लेकिन अगर कोई C एक ऐसी एक ऐसा एक एक, एक शख्सियत होती है ऐसी जो कि दोनों A और B के बगैर इल्म में आए हुए, उसका इंतकाल हो जाता है, सही, उनके इल्म में नहीं है लेकिन उनका इंतकाल हो जाता है और यहाँ पे बैठ के फिर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि भाई तुम लोग करते रहो एग्रीमेंट, वो मर चुकी है, इम्पॉसिबल हो चुका है इवेंट, इसलिए ये वॉइड हो गया। सबसे बेसिक जो एक कॉमन रूल था वो ये है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अब दो चीजें अलग अलग है, डज और डज नॉट वाली चीज याद रखना और इम्पॉसिबल याद रखना, कि जैसे इम्पॉसिबल हो जाए वॉइड कहलाता है और डज और डज नॉट happening of any certain event. Sir, आ जाते हैं हम offer and acceptance के essentials पे। कब कहलाता है sir एक valid offer और कब कहलाती है एक valid acceptance? Sir, valid offer तब कहलाती है कि जब वो express हो या implied, यानी कि by word
ऑफ माउथ हो या बाय कंडक्ट हो, ठीक है, स्पोकन हो या रिटन फॉर्म में हो, वो तभी ऑफर कहलाएगी। सर एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि ए इनवाइट्स बी टू डिनर एंड बी एक्सेप्ट द इनविटेशन, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, सो देयर इज नो एग्रीमेंट। सही है, अब ए ने केस कर दिया कि भाई मैं जो है वो तुम पे केस कर दूंगा बी, क्योंकि तुमने मैं तुम्हें इन्विटेशन दिया था तुम नहीं आए। सही है, तो वो बोलता है कि भाई ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं किया इसमें। सही ना, लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ क्रिएट होती है, हम आगे बढ़ेंगे इसको डिटेल में। सही, नमाज ब्रेक ले लो बेटा, 15 मिनट बाद आ जाओ नमाज।
जी जनाब, तो सर ऑफर कब कब कहलाती है, कब कब मैं उसको बोलूँगा हाँ यार ये एक एक वैलिड ऑफर है, जिसमें मैंने पढ़ा कि अगर वो एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड फॉर्म में हो, तब भी एम्प्लॉयड फॉर्म में हो या एक्सप्रेस फॉर्म में हो, तब वो ऑफर कहलाएगी, और साथ में लीगल रिलेशन होना चाहिए दो पार्टीज के दरमियान, तब भी वो ऑफर कहलाएगी, लीगल ऑफर कहलाएगी, वैलिड ऑफर कहलाएगी। और सर इसके अलावा क्या है कि वो डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए हैज टू मोटरसाइकिल्स, ही ऑफर्स बी टू सेल वन मोटरसाइकिल फॉर 27,000, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज इट इज नॉट क्लियर विच मोटरसाइकिल ए वांट्स टू सेल। वो कह रहे हैं मैं दो मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ, दोनों के अलग अलग रेट है, एक के 27,000 है, अब भाई कौन सी बता दो, तो लगे बंदे ये वाली खड़ी हुई है, वो वाली खड़ी हुई, किसके 27,000 है, ठीक है। और बी ने ये समझ के कि ये पहली वाली बाइक के 27,000 बोल रहा है, उसने 27,000 दे दिए, जबकि वो वाली बाइक को 30,000 में बेच रहा था, उसने उसके सामने ही दूसरी वाली बाइक उठा के उसको दे दी, तो जो खरीदने वाला था वो कहने लगा कि भाई मुझे ये वाली नहीं पहली वाली बाइक चाहिए, तो ये वहां पे खड़ी उल्टे आते हैं, उसने बोला भाई ये तो 30,000 की है। तो अब क्या हुआ, अब कोई किसी को आगे सू नहीं कर सकता, ये आगे कॉन्ट्रैक्ट चल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट और क्लियर नहीं था, तो ये एक वैलिड ऑफर ही नहीं कहलाएगी। सर डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, भाई अब एक्स डिस्प्लेस, एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स डिस्प्लेस गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, इट इज नॉट एन ऑफर, द ऑफर विल कम फ्रॉम द बायर इन द फॉर्म ऑफ बिड, ठीक है। अच्छा ये क्या, अब एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर मैं ऑफर भी इनवाइट कर रहा हूँ, सही है, यानी कि मैं ऑफर को इनवाइट कर रहा हूँ, इनविटेशन ऑफ ऑफर। अब मैं ऑप्शन सेल के लिए अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ, लेट्स सपोज मैंने OLX पे अपना लैपटॉप डाला, तो बेटा OLX पे लैपटॉप डालने से मेरी ऑफर क्रिएट नहीं हुई, ऑफर अब कहाँ से आएगी, अब ऑफर आएगी आगे से, ठीक है। मैं उसको ऑप्शन के लिए, क्योंकि अगर मैंने कोई, लेट्स सपोज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने अपना रेट नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये लैपटॉप रख दिया जाकर, अब सामने वाला इसके रेट लगाएगा खुद ही से, ऑप्शन सेल कहते हैं जिसको, तो उस केस में क्या है, मैं ऑफर्स भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि भाई मैं इन्वाइट करता हूँ आप लोगों को कि आप इसके पैसे लगाओ, तो बेसिकली हो गया रहा है कि अब मैं इन्वाइट कर रहा हूँ लोगों को कि आप मुझे ऑफर दो इसकी कि भाई मैं आपका लैपटॉप 10,000 का खरीदूंगा, मैं आपका लैपटॉप 20-30-40-50,000 का जितने का भी, सही है ना। सर ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। अगर एक दर्जी अपनी दुकान खोल कर बैठा हुआ है, इट मीन्स के एक जनरल ऑफर है, ये पूरी जनरल पब्लिक के लिए है, ये किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, ठीक है ना, तो ये जनरल ऑफर कहलाती है, जबकि स्पेसिफिक ऑफर ये है कि अगर मैं कोई एक मोबाइल एक किसी खास बंदे को ऑफर करूँ तो ये जनरल ऑफर कहलाती है, सही ना। सर कम्युनिकेशन विद ऑफरिंग, एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, सही है, अगर वो ऑफरी को ऑफरी यानी कि वो बंदा जो एक्सेप्ट करेगा, अगर उसको कम्युनिकेट हो रही है सिर्फ तभी वो इफेक्टिव कहलाएगी। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ सच ऑफर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, एन ऑफर व्हिच इज नॉट कम्युनिकेटेड इज नॉट अ वैलिड, वगैरह के जो ऑफर है वो लाजमी है कि वो उस बंदे को कम्युनिकेट की जाए जो कि एक्सेप्ट करने वाला है, यानी कि ऑफरी। अगर ऑफरी यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाला है उसको ऑफर के बारे में नहीं पता और वो ऑफर के बारे में मुकम्मल जाने बगैर उसको एक्सेप्ट करता है तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। आओ एग्जांपल देख लेते हैं, एज नेफ्यू वाज मिसिंग फ्रॉम होम, ही सेंट हिज सर्वेंट बी इन सर्च ऑफ द बॉय, व्हेन द सर्वेंट लेफ्ट ए अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 5 lakh फॉर एनीवन हु गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय, द सर्वेंट बिफोर द अनाउंसमेंट फाउंड द बॉय एंड इन्फॉर्मड ए, लेटर ही क्लेम्ड फॉर द रिवॉर्ड, he failed on the ground that he could not accept the offer unless he had the knowledge of it. भाई एक जो है वो nephew खो गया, चलो nephew हटा दो, एक का बेटा खो गया, ठीक है, शकुर साहब का बेटा खो गया, शकुर साहब ने अपने नौकर को बाहर भेजा उसको ढूंढने के लिए, जैसे ही नौकर बाहर गया अब उसने ऐलान करवा दिया, सही है, ऐलान भी कहाँ करवाया, टीवी पे, और नौकर गया, नौकर के पास ना मोबाइल है ना ही किसी टीवी का एक्सेस है, उसको किसी भी तरीके से वो बात कम्युनिकेट नहीं हुई, कौन सी बात, भाई शकुर भाई ने बोला जियो पे ऐलान करवा दिया, टीवी चैनल पे ऐलान करवा दिया, सॉरी किसी भी टीवी चैनल पे, कि आप जो है क्या करो, जिस बच्चे ने जिस किसी ने भी अगर इस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन दी या ढूंढने में मदद की और ढूंढ लिया तो उसको 5 lakh rupees मिलेंगे। अच्छा जी, जो नौकर गया था नौकर को मिल गया, अब नौकर आया और नौकर ने फिर नौकर जब घर पे आया बच्चे को लेके शकुर साहब के, और शकुर साहब उसको गले वले लगाया, उसने बहुत जो है शुक्र किया अल्लाह का भाई के मिल गया भाई। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, नौकर ने देखा टीवी पे, नौकर की नजर पड़ी टीवी पे, फुल एकदम इंडियन ड्रामा की तरह,
तीन चार दफा उसने टीवी पे देखा और देखा कि भाई 5 लाख नजर आ रहे हैं लिखे हुए, और ये लिखा हुआ है कि जिसने भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी उसको 5 लाख मिलेंगे। उसने फौरन शकुर भाई की तरफ देखा और शकुर भाई को बोला, शकुर भाई मेरे को 5 लाख रुपए दो ना भाई। ए शकुर भाई, शकुर भाई ने बोला कि बेटा तुम इसको नहीं क्लेम कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हें इस ऑफर की नॉलेज नहीं थी, इस ऑफर के बारे में इल्म नहीं था जब तुम उसको ढूंढ के लाए, इसलिए तुम्हारे लिए ये ऑफर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव कंडीशन, ऑफर कैन नॉट कंटेन अ कंडीशन दैट द ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड अप टू सर्टेन डेट। एग्जांपल ले लेते हैं, ए रोड टू बी, ए ने बी को लिखा, क्या लिखा भाई? सच नहीं, to sell his horse adding that if he did not reply within 5 days the offer would be considered as accepted, there is no contract. Kyun? Kyunki if the offeree does not reply there is no contract because an obligation to reply cannot be imposed on the ground of justice. Sahi na, on the grounds of justice pe ye baat sabit hoti hai ki kisi ke reply na dene se acceptance nahi kehlayegi. Sahi hai na, lekin aage hum padhenge ki ek jagah acceptance जो है सॉरी साइलेंस जो है मेयर साइलेंस विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे कि आपकी खामोशी कब एक्सेप्टेंस कहलाएगी। सही है, उसके बाद है क्रॉस ऑफर, यानी कि मैंने चलो एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉस ऑफर की, क्या है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर दे दें तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ए रोड टू बी टू सेल हिम 1 टन ऑफ आयरन फॉर रुपीज 1 लाख, ऑन द सेम डे बी रोड टू हिम टू बाय 1 टन ऑफ आयरन फॉर रुपीज 1 लाख, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सही है, एग्जैक्टली exactly. भाई ए ने बी को बेचने का और बी ने एक से खरीदने का, हालांकि दोनों के सब्जेक्ट सेम थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। सही है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली दोनों ऑफर हो देंगे ना, ए ने भी तो ऑफर किया है कि मैं आपसे इतना खरीदूंगा इतने में, और बी ने बेचने के लिए ऑफर किया और ए ने खरीदने के लिए, ए ने बेचने के लिए और बी ने खरीदने के लिए ऑफर किया है, तो दोनों ऑफर इज नॉट डीम्ड एज अ वैलिड ऑफर। ठीक है ना, और एनहेंस इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सही है सर, ऑफर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब एक्सेप्टेंस क्या है? सर एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? व्हेन अ पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी एग्रीमेंट, देयर टू द प्रपोजल सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है यार, ये बात समझ में आई, इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, एक क्लियर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑफरी की तरफ से। सही ना, ऑफरी समझ में आ गई, ऑफरी को बंदा जो के कौन है भाई, जो के एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्लियर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑफरी की तरफ से, बहुत क्लियर एक्सेप्टेंस, मतलब कि कोई इसमें एम्बिग्युटी ना हो, कोई कंडीशन ना हो। सही है, अगली बात यही है कि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बोले कि हाँ मुझे तुम्हारा 10,000 का मोबाइल 2,000 पे मैं खरीद दूंगा, मंजूर है मुझे 2,000 का तुम बेच रहे हो, मुझे मंजूर है, मगर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। तो इट मीन्स के कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सही, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ऑफर्स टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर 500, बी रिप्लाइज दैट ही कैन बाय इट फॉर 300, देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑन पार्ट ऑफ बी। सही, ये एग्जांपल था, मजे की नहीं, लेकिन वो जो पहले वाली एग्जांपल थी वो ज्यादा अच्छी है कि मैंने बोला कि मैं आपका 2000 का मोबाइल खरीदूंगा, ठीक है आप 2000 का मोबाइल मुझे बेच रहे हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तब खरीदूंगा जब तुम मुझे बर्गर खिलाओगे। सही है सर, प्रिस्क्राइब मैनर में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, क्या मतलब? A offers to B and asks to accept the offer by telegram. B sends his acceptance by post. It is not a valid. भाई जिस मैनर में आपको बोला गया है, जिस मैनर ने ऑफरर ने आपको बोला है कि भाई किसी इस कंडीशन में मुझे एक्सेप्टेंस भेजना, अगर आपने उस कंडीशन में एक्सेप्टेंस भेज दी, सिर्फ तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगी, अदरवाइज वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। सही है, तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो मैनर, जो तरीका बताया गया है ए ऑफरी, तो मैं उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भिजवानी होगी। सही है सर, ये भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड फॉर्म में हो सकता है सर, रीजनेबल टाइम भी होना चाहिए, ये सारे वैलिड एसेंशियल्स थे एक्सेप्टेंस के। सर अब हम आ गए रिवोकेशन, एक ऑफर कैसे रिवोक की जा सकती है। रिवोकेशन में अगर सिंपल लफ्जों में मैं ट्रांसलेट करूं तो इट मींस के कैंसिल कर देना। ठीक है, आओ देख लो रिवोकेशन कैसे कैसे होती है। सबसे पहले भाई अगर रिवोक कर रहे हो तो तुम्हें उसका नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, एन ऑफर कैन बी रिवोक बाय सेंडिंग अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू द अदर पार्टी। इट मींस दैट द ऑफरर मे रिवोक हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इवन दो द पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। वो कह रहा है कि भाई एक्सेप्ट करने से पहले
किसी भी टाइम पे अगर रिवोकेशन का नोटिस आ जाता है ऑफरर का, सही है, तो उसी टाइम वो लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले, अगर लेकिन एक्सेप्ट हो गया उसके बाद रिवोकेशन का नोटिस भी कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड टू बाय बीज गुड। भाई बी ने अपने सामान रखे हुए थे ऑक्शन के लिए, ए ने उसको सबसे हाईएस्ट प्राइस लगा के हाईएस्ट बिड दे दी। अब क्या हुआ, ही विड्रॉज द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, द ऑफर इज रिवोक। सही है, अब आपको पता होगा ऑप्शन में हथौड़ा मारते हैं, जब फाइनल हो जाता है सब, तो एक हथौड़ा जोर से मारते हैं, वो होता है एंड ऑफ ऑप्शन। तो उसके हथौड़ा मारने से पहले ही ए ने क्या किया, ने बोला नहीं सॉरी मजाक कर रहा था यार मैं, मेरी तो बात ही नहीं भाई। सही है, तो हथौड़ा मारने से क्योंकि पहले इसने बोल दिया, नोटिस दे दिया रिवोकेशन का, तो वो रिवोकेशन हो सकती है। सही ना, रिवोकेशन का नोटिस का मतलब जरूरी नहीं कि रिटन फॉर्म में, बस आपने उसको नोट करवाना हो, नोटिस देना हो उस चीज का कि आप ये चीज को रिवोक कर रहे हो। लैप्स ऑफ टाइम, सही ना, एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, वो टाइम गुजर गया, ऑफर खत्म हो जाएगी। भाई आप 5 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर दो, वरना मैं इसको ना समझूंगा। सही है, हाँ समझू वाला तो हमें पता चल गया कि भाई एक्सेप्टेंस ये नहीं हो सकती, कि अगर आप 5 दिन में रिप्लाई नहीं कर रहे तो हाँ समझा जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है ये। लेकिन इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि 5 दिन में अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो ये ऑफर ऐसे समझा जाएगा कि आपने इसको रिफ्यूज कर दिया और ये लैप्स हो जाएगी ऑफर। सही है, जैसा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखे हुए होते, उन्होंने अपनी ऑफर लगाई हुई होती है, बहुत जगह देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के 23 मार्च की सेल लगी हुई है रेस्टोरेंट्स में या कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है, सही ना, तो 23 मार्च की सेल लगी हुई और 23 मार्च के बाद वो ऑफर लैप्स हो जाती है। सही है, तो लैप्स ऑफ टाइम की सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये है। फेलियर टू फुलफिल कंडीशंस, A offers to sell his scooter to B for 50,000 if B gets admission in medical college. B fails to get admission, the offer is revoked. ठीक है बेटा, death or insanity of offerer, भाई offerer की death हो जाती है, सही है, तब भी offer क्या हो जाएगी, revoke हो जाएगी। Obviously offerer ही बंदा ही नहीं रहा offer देने वाला, तो फिर offer की क्या जरूरत। सही है, अच्छा हमेशा याद रखना, रिवोकेशन ऑफ ऑफर होती है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती, ना ही इसका रूल कोई बनाया हुआ है। क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है ना, कि मैंने ऑफर दी तो मैं उसी को कैंसिल कर सकता हूँ, एक्सेप्टेंस बेसिकली कैंसिल नहीं होती, सिर्फ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन के ग्राउंड पर कैंसिल हो सकती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सही है, बाकी तमाम जितनी भी रिवोकेशन है वो ऑफर की है, एक्सेप्टेंस की नहीं है, जो भी हम पढ़ रहे हैं। सही है, डेथ और इंसैनिटी तक आ गए। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, यहाँ पर ये केस है कि जब ऑफरी आपका रिवोक कर दे, लेकिन उसकी भी कंडीशंस है। सही है, वो आगे हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। काउंटर ऑफर बाय ऑफरी, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया, काउंटर ऑफर अगर ऑफरी दे दी तब भी रिवोक हो जाएगा अपने आप। डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरी, ऑफरी की भाई डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, तब भी रिवोक हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, भाई एक ऐसी कोई चीज बेचने का और खरीदने का सौदा हुआ जो आगे जाके इलीगल हो गई, जब सब्सिक्वेंटली वो चीज इलीगल हो गई तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। सही, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ए ऑफर्स टू सेल 10 बैग्स ऑफ राइस टू बी फॉर 2,000 रुपए बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, अ लॉ बैन्स द सेल ऑफ राइस। भाई कानून ने चावल बेचने पे पाबंदी लगा दी, सही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भाई मेरा मोबाइल जो मैं बेच रहा हूँ तुम्हें 2,000 का, तुम्हें बेचने आ ही रहा था कि बीच में चल गया, तो जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, मोबाइल ही नहीं रहा, तो अपने आप वो रिवोक हो जाएगा। प्रिस्क्राइब मैनर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, के जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से अगर नहीं हुआ तो वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगी। सही है सर, कम्युनिकेशन पे आ गए, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कब कहलाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर तब कंप्लीट होगी जब वो ऑफर की नॉलेज में आ जाएगी। सही है ना, जब वो लेटर जो होगा या जिस भी किस्म की नॉलेज में, जिस तरीके से भी ला रहे हो, जब तक के नॉलेज में नहीं आती ऑफर के, तब तक कम्युनिकेटेड नहीं गया। सही, कम्युनिकेशन ऑफर की कंप्लीट नहीं होगी। तो सर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, अगेंस्ट द प्रॉस्पर एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। सही है, एज अगेंस्ट द प्रॉस्पर पढ़ लिया मैंने, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, or when it comes to the knowledge of prosper, yani ki when the letter of acceptance is received by proposer, tab wo accepted kehlayegi, yani ki agar acceptance acceptor ke paas se chali gayi, transmit ho gayi aur wo acceptor ke
पावर में नहीं रही तब भी वो कम्युनिकेटेड कहलाएगी, यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कहलाएगी उसकी, या फिर जब वो ऑफर देने वाले की जगह, यानी कि जब एक्सेप्टेंस ऑफर देने वाली की नॉलेज में आ गई तब भी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी, तब भी उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड कहलाएगी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन, भाई रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कहलाएगी, कब कंप्लीट कहलाएगी, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि जिसने रिवोक किया है, when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person revoking, when the letter of revocation is posted, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जब revocation revoke करने वाले के पास से चली गई किसी भी medium से, चाहे letter के through या voice recording के through या WhatsApp के message, किसी भी medium के through जब उसके पास से चली गई और उसकी power से निकल गई revoke करने वाले की power से, तो वो revoke की communication complete कहलाएगी, ठीक है। सामने वाली की बात हो रही है जिसका ऑफर रिवोक किया जा रहा है, जो रिवोक कर रहा है उसका तो पढ़ लिया, अब जिसका जिसको रिवोकेशन भेजी जा रही है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कराएगी, जबकि उसकी नॉलेज में आ जाए, ठीक है। बात आती है समझ में, डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक बता चुका पहले, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। सर अब हम सारे जो है ना असेंशियल्स मजीद पढ़ेंगे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में असेंशियल्स पढ़े थे ना, ये जो essential of valid contract थे, अब हम सारे पढ़ते रहेंगे, offer and acceptance हमने पढ़ लिया, सही है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे capacity of party कि सर capacity of party का मतलब क्या है, कि party को competent होना जरूरी है, party को competent होने का क्या मतलब है वो देख लेता हूँ। Competency of party means if he is minor according to the law to which he is subject, he said to be incompetent, सही है। incompetent बंदे कौन कौन से कहलाएंगे, यानी कि वो बंदे जो के contract का हिस्सा नहीं बन सकते, जो कि contract का part नहीं बन सकते, वो कौन कौन से लोग हैं सर, minor, unsound mind, ठीक है ना, ऐसा बंदा जो के unsound mind का है, या फिर कैसा बंदा जो के disqualified already from contracted by any law to which he is subject, या किसी और कानून के तहत वो already disqualified declared हो चुका हो, सही है। ये बंदे इनकॉम्पिटेंट हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकते, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, सही है। अब आओ, अब हम देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की विद अ माइनर। पोजीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर क्या है, माइनर वेयर अ गार्जियन ऑफ माइनर्स पर्सन और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन। अच्छा चलो शुरू से देख लेते हैं इसको। माइनर सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए माइनर कौन होता है, माइनर वो होता है जो कि जिसका जिसके 18 साल कंप्लीट ना हुए हो कुछ केसेस में, और नॉर्मल केसेस में 21 साल की नॉर्मल केसेस की बात करते हैं, 21 साल तक बंदा माइनर रहता है, या 18 साल, दोनों को इसलिए लिखा है अलग अलग क्योंकि अगर उसका एनआईसी आ चुका है, एनआईसी बन गया तो वो माइनर कहलाएगा, जबकि कुछ एक्ट के अंदर उसकी 21 इयर्स लिखी हुई है, 21 साल की उम्र तक वो माइनर कहलाएगा, सही है भाई। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट कैसा होता है और देख लेते हैं, एन एग्रीमेंट बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वाइड एंड इनऑपरेटिव एज अगेंस्ट हिम, भाई अगर माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ना तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही आप उसके अगेंस्ट कुछ सू कर सकते हो और ना ही वो आपको सू कर सकता है, सही है। आपने बच्चे को बेवकूफ बना दिया, बोला बेटा मोबाइल ले लो, पापा के पैसे लेके आ जाओ 2000, जेब से चुरा के मोबाइल ले लो 2000 का, सही है। वो बच्चा था, उसको पता नहीं था मोबाइल 1000 का है, उसने पापा के 2000 चुरा के मुझे दे दिए, मैंने मोबाइल उसको दे दिया, अब 2000 जो है मेरे पास आ गए, उसने बाद में बोला कि तुमने मुझे लगाया है कथा लगाया तुमने मुझे, तो मैं तुम्हें कर दूंगा सू, क्या वो माइनर कर सकता है, नहीं कर सकता। इस तरीके से उसको ऑपोजिट माइनर चलाता, बच्चा चलाता, बच्चे ने टोपी करा दी, बच्चा बोला अंकल ये मेरे पापा मोबाइल है 5000 का, मैं आपको दे रहा हूँ 3000 का, जबकि उसकी मालियत थी 1000, मैं बन गया भाई वो कुछ, मैंने बोला अच्छा जबरदस्त यार ये लो 3000 मोबाइल दे दो, मैं गया मार्केट में, मार्केट वाले ऐसे लगे बेटा ये तो 1000 का मोबाइल है 3000 का लेके, मैं दोबारा गया बच्चे के पास, मैं बोला बेटा तुमने मुझे बनाया मामू, तुमने मुझे बनाया भाई वकूफ, मैं तुम्हें सू करूंगा, तो इस केस में भी मैं उसको सू नहीं कर सकता, ठीक है। बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि किसी बेनिफिट की वजह से उसको एंटर कर सकते हैं, तो वो कहता है कि हाँ उसको एंटर कर सकते हैं आप किसी एग्रीमेंट के बेनिफिट की वजह से, सही। आगे हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे कि मैंने पार्टनरशिप अब खोली है 3 लोगों की, अब कोई रिक्वायरमेंट आ गई किसी मेंबर बॉडी की एफिलिएशन लेने की, ऐसी एक रिक्वायरमेंट आ गई कि आपकी फर्म के 4 पार्टनर होना जरूरी है, सिर्फ जब ही आपको हमारी हमारे इंस्टीट्यूट की या हमारी जगह की एफिलिएशन मिल सकती है, तो मुझे 3 के बदले 4 पार्टनर रखने थे, तो
जनाब मैंने चार पार्टनर रखने की वजह से, इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने की वजह से मैंने उसको एंटर कर लिया अपनी पार्टनरशिप में, इट मींस कि मैंने इस किसी एग्रीमेंट को बेनिफिशियल एग्रीमेंट के लिए या अपनी पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको मैंने एडमिट किया है अपनी पार्टनरशिप में, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है सर, उसके बाद आया कि नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी, रेटिफिकेशन इज द सब्सीक्वेंट अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्ट और एग्रीमेंट, एक ऐसा एक्ट और एग्रीमेंट जिसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट किया जाए, सब्सिक्वेंटली वो एनफोर्सेबल हो जाए। अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग अ न्यूलिटी एंड वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब है बेटा, कि यानी कि वो स्टार्ट से एट द पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट से एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कि जब वो स्टार्ट हुआ उस वक्त से लेके अब तक जितना भी अर्सा गुजर चुका, तमाम जितनी बीच में चीजें थी, जितने भी चीजें थी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, सब वॉइड, वॉइड एब इनिशियो यानी इनिशियल फेज से ही वो वॉइड है। Has no existence in the eye of law. It cannot be ratified by the minor on attaining the age of majority. A majority. यानी कि ये कह रहा है कि अब जिस बच्चे को मैंने बेवकूफ बनाया था पापा के 2000 लेकर, वो एक साल बाद मेजर हो गया, सही है ना, वो 22 साल का हो गया एक साल बाद। अब वो 22 साल का होने के बाद मुझ पर आकर सू कर रहे का कह रहा है, क्या वो सू कर सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि no ratification on attaining the majority. Minors agreement is void ab initio and has no existence in the eye of law. ठीक है, the rule of estoppel, 14th rule है, the rule of estoppel does not apply to a minor. Estoppel का क्या मतलब है भाई, कि आपको ये एक आगे concept पढ़ा जाएगा partnership के अंदर, सही ना, partner by estoppel और holding out. ठीक है, यानी कि by conduct. और यहाँ देख लेते हैं क्या कहते हैं, a rule of estoppel does not apply to a minor. Minor is not stopped from pleading the infancy in order to void a contract even if he has entered into an agreement by falsely representing that he was of full age. सही है, वो बता रहा है कि मैं मतलब मेजर हूँ, मैं फुल एज हूँ, मैं मेजर हूँ, माइनर नहीं हूँ, उसके बावजूद वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एड नहीं हो सकता। माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरीज टू अ माइनर और एनीवन हुम द माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट कैन रिकवर रीजनेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, इफ अ माइनर ओन्स नो प्रॉपर्टी सप्लाई कैन नॉट रिकवर द प्राइस। भाई मैंने एक माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की, ठीक है, एक 21 साल का बच्चा जा रहा था, 20 साल का बच्चा जा रहा था, वो भूख से मर रहा था, मैंने उसको खाना दिया, रहने के लिए घर दिया और कपड़े दिए, और मैंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें ये तुम्हारी मदद की है, तुम हैदराबाद से आए हो, मैंने तुम्हारी कराची मदद की है, मैं तुम्हें हैदराबाद जाके मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी उसमें से तमाम चीज़ों का हिस्सा लूंगा, जितना पैसा मैंने लगा है लूंगा। तो अलाउ करता है लॉ हमें कि आप माइनर की प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा रिकवर कर सकते हैं जो आपने जितना उस पर लगाया है, मगर अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो बेटा अल्लाह हाफिज, फी सबीलिल्लाह आपने काम किया है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, माइनर पार्टनर बता दिया मैंने, माइनर एजेंट बता दिया, माइनर एजेंट पे बात कर लेते हैं कि अ माइनर कैन बी एन एजेंट, he shall bind the principal by his acts done in the course of such agency, but he cannot help personally liable for negligence or breach. Thus, his appoint in appointing a minor as an agent, the principal runs a great risk. भाई वो कहते हैं कि सही है, minor किसी भी चीज के लिए enforceable नहीं है, ना उसको सू किया जा सकता है, ना वो सू सकता है, ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर वो एक एजेंट है तो वो minor, अगर minor एक एजेंट है तो वो अपने principal को fully bind करता है अपने acts से। सही है, लॉ इजाजत देता है कि माइनर को एजेंट बना सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल को ये बोलता है, सही ना, प्रिंसिपल और एजेंट का तो एजेंसी तो पता है ना क्या होती है, क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ पे कोई बंदा काम कर रहा होता है एजेंट, उसको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, आपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी होगी कि कोई किसी के बिहाफ पे अगर काम करने आया होता है तो वो उसका एजेंट है। लेट सपोज अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो एक एजेंट है कंपनी का बेसिकली, ठीक है, कोई कोई अगर जो डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली जो कंपनी के, वो भी एजेंट हैं अपने ओनर्स के। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स या ओनर जो भी है, सही है, उन शेयर होल्डर्स के वो एजेंट होते हैं जो कि उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो भाई माइनर अपने तमाम एक्ट से फुली बाइंड करता है प्रिंसिपल को, सही है, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जाहिर हम आगे बढ़ेंगे एजेंसी में, एजेंसी भी है आपके कोर्स के अंदर, कि एक जगह एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है, यानी कि प्रिंसिपल नहीं आएगा रगड़े में बेटा, अब एजेंट तुम आओगे सिर्फ खाली, सही है, लेकिन यहाँ पर इस केस में अगर माइनर को ऐसा काम करता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनर की गर्दन आएगी हाथ में, तो वो कहता है कि माइनर की गर्दन नहीं आ सकती क्योंकि वो माइनर है, इसको पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर हो सकता
क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो जब वो कैपेबल ही नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। सही, इंसॉल्वेंसी के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें से ये रूल है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फाइनेंशियल या कोई भी ऐसी पोजिशन नहीं थी जो आप कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीट कर सकते हो, तो आप इंसॉल्वेंट कहलाते हो, ठीक है ना। लेकिन जब एक बंदा ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता तो वो इंसॉल्वेंट कैसे कहलाएगा। सही है, अगर माइनर के साथ मिलके किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 10वां पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली, तो जो हिस्सा माइनर का है वो भी एडल्ट तुम्हें ही भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल ही नहीं है। 11 पॉइंट, श्योरिटी ऑफ अ माइनर, surety for a minor, where in a contract of guarantee an adult stands surety for a minor, minor the adult is liable under the contract although minor is not. अगर कोई ऐसा minor है, जिस कोई ऐसा adult है जो minor की guarantee ले रहा है, ठीक है, minor गया है टीवी खरीदने किस्तों में, टीवी वाले ने बोला भाई आपको guarantee रखवाए किसी बंदे की, तो भैया guarantee दे दी उसके दोस्त ने जो कि adult था, 24 साल का था, और वो जो बच्चा था वो 20 साल का था। अब बच्चे ने बोला भाई मैं तो 20 साल का हूँ, मेरे पास तो है नहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, तो आप एक काम करें मैं आपको गारंटी दे देता हूँ एडल्ट की, आप उस पर रख के मुझे टीवी दे दें किस्तों पे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा अगर वो डिफॉल्ट करता है तो एडल्ट को ही पकड़ा जाएगा, और अगर वो एक रुपये भी नहीं देता माइनर तब भी सिर्फ और सिर्फ एडल्ट को पकड़ा जाएगा, माइनर को वो कुछ पूछ ही नहीं सकते उससे। क्यों? क्योंकि माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पोजिशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स, the parents of minor are not liable for agreements made by minor, whether the agreement is for the purchase of necessities or not. The parents can be held liable only when the child is contracted as an agent for the, kyunki sirf ek hi exception hai ki minor sirf aur sirf agent ke taur par hi mana ja sakta hai, agent ke taur pe hi kaam kiya ja sakta hai, isliye uske parents bhi sirf us case mein hi liable honge, us case mein hi responsible honge uske tamam acts mein, acts ki wajah se jahan par wo agent ho, theek hai na, aur principal kaun uske parents। सही, तो हमने वैसे ही पढ़ा था कि माइनर एजेंट हो तो प्रिंसिपल को बाइंड करता है। सही है, उसके अलावा पेरेंट्स की कोई लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी नहीं किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट से या एग्रीमेंट से जो कि माइनर करता है। माइनर शेयर होल्डर बीइंग इनकॉम्पिटेंट, भाई वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता, इसलिए उसको शेयर होल्डर मत बनाना। माइनर्स लायबिलिटी इन टॉर्ट, टॉर्ट का क्या मतलब होता है, सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, कोई चीज ऐसा, कोई ऐसा काम करना जो कि सिविल रूल्स की वायलेशन करता हो, सिविल रूल्स के ऑपोजिट हो कुछ, तो क्या कहलाता है वो, टॉर्ट। सही, फॉर व्हिच द ऑर्डिनरी रेमेडी इज डैमेज, अ माइनर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इज इन रियलिटी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई टॉर्ट क्या हुआ, उसने जाते जाते जो है वो लगी होती स्ट्रीट लाइट, जाते जाते उसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, बेड से स्ट्रीट लाइट तोड़ता हुआ जा रहा है, तो क्या हुआ, ऐसे केस में वो लायबल होगा, बोलेंगे आओ बेटा माइनर उसका मतलब थोड़ी की बात करते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आया कि व्हेन एन अनसाउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन नॉट, इसका सिंपल सा जवाब कि जब वो अगर ऐसी हालत में है कि वो फैसले सही कर सकता है और वो कैपेबल है अंडरस्टैंडिंग के किसी के एग्रीमेंट की जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए काबिल है, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर उस टाइम ऐसा टाइम हो कि जहाँ पर वो काबिल नहीं है तो वो उस टाइम एग्रीमेंट नहीं कर सकता, उस टाइम कोई भी एग्रीमेंट किया हुआ वॉइड कहलाएगा, ठीक है।
जनाब समझ में आ गया कि अनसाउंड माइंड कौन होता है और कब कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। व्हेन अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मे अराइज। अच्छा सबसे पहले दो बातें बोलते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, कि भाई एक ऐसा बंदा जो कि अनसाउंड माइंड का है बट ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, कभी कभार मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे वो अनसाउंड माइंड का रहता है, 4 घंटे वो साउंड माइंड का रहता है, सही ना? ये गजनी समझ लो आप एक तरीके से, ठीक है गजनी है। तो भाई वो कहता है कि गजनी जब तुम होश में हो, जब तुम्हें सब याद आ जाए, तब तुम कॉन्ट्रैक्ट करना उसके, और वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी कहलाएगा, और तब मत करना जब तुम पागल हुए होते, जब तुम्हें कुछ नहीं आता रहता तब तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट में मत इन्वॉल्व होना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। यानी कि वो कहता है कि जब आप अनसाउंड माइंड, अब वो कहता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैसे कैसे हो सकती है, सबसे पहले बोलते हैं इडियोसिटी, इडियोसी यानी कि इडियटनेस कह लो उसको, कि आप इडियट का मतलब होता है कि मेंटल पावर्स कंप्लीटली एब्सेंट हो चुकी हैं, और ये ऑब्वियसली गॉड गिवन होती है, ये बाय बर्थ होता है, ठीक है। उसके अलावा ल्यूनेसी और इंसेनिटी, ये एक डिजीज ऑफ ब्रेन है जिसके अंदर क्या होता है एक मेंटल स्ट्रेन और मेंटल डिजीज होती है, जिससे क्या होता है पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन इतनी कि वो अपने हवास खो बैठता है। ड्रंकनेस, कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक उसने जो है वो ड्रिंक कर लिया है, एक ऐसी इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड ड्रिंक कर लिया है जिससे वो अपनी टेम्पोरेली अपनी कैपेसिटी में नहीं है, वो इनकैपेसिटी में चला गया है, सही है बेटा। उसके बाद है मेंटल डीके, मेंटल डीके क्या है भाई, बूढ़ा हो गया है, सही है। अच्छा जी अब आ गया मेरा मेरा फोर्थ टॉपिक, इसका नाम है डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि आप किसी ना किसी कानूनी लॉ की वजह से, किसी ना किसी कानून की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, सही है भाई। वो कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ, वो है सबसे पहले हमारे पास आ गया एलियन एनिमी। एलियन एनिमी क्या है भाई, एक पाकिस्तान में है, बेचने वाला खरीदने वाला इंडिया में, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जंग छिड़ गई, अब वो एलियन एनिमी है। एलियन एनिमीज आर ऑलवेज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। अच्छा जी फॉरेन सोवरेन्स और एम्बेसडर्स जो है वो कौन होंगे आपके, जिस तरह भी हमारे फ्रांस वाले भैया जो जिनकी शामत आएगी, तो क्या है वो फ्रांस के वो एम्बेसडर्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स होते हैं जो यहाँ मौजूद होते हैं, तो कह रहे हैं कि उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट ना करें, वो भी डिस्क्वालिफाइड हो। उसके बाद है कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट इज वन हु इज फाउंड गिल्टी एंड इज इम्प्रिजन्ड, सही है, एक बंदा है जो कि पहले से मुजरिम है आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करो। Married women are competent to enter into contracts with respect to their separate properties, provided they are major and are of sound mind. They cannot enter into contract with respect to their husband's property. कहता है कि भाई आपके जो husband की property उसका आप नहीं contract कर सकती, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी property का contract कर सकती हैं, और वो भी कब, कि अगर आप sound mind के हो और major हो, minor ना हो। Insolvent, भाई insolvent बंदा भी disqualified होता है, उससे भी contract नहीं किया जा सकता किसी भी समय। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, भाई कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन हो जो कि लेट्स सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर्स कॉन्फर्ड अपॉन इट्स मेमोरेंडम बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचर, फॉर एग्जाम्पल मैरिज। भाई आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कि आपने किसी भी किस्म की कंपनी अगर बनानी होती है तो आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्लॉजेज होते हैं जो कि आपको इसके अंदर लिखकर देने पड़ते हैं और SACP से रजिस्ट्रार से फाइल करवाने पड़ते हैं। SACP स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है जो कि चंडीगढ़ रोड पे सिचुएटेड है, वहाँ जाना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करानी पड़ती है, पेड अप कैपिटल दिखाना पड़ता है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तमाम चीजें लिखकर आप SACP से रजिस्ट्रार से फाइल करवाते हो। सर जितना मेमोरेंडम में लिखा होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन पावर्स के बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जनाब तो अब हम आ गए चैप्टर नंबर 4 पे जिसका नाम है कंसिडरेशन। अगेन मैं आपको बताया जा रहा हूँ बार बार कि ये तमाम वो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के जो
कॉन्ट्रैक्ट में होना लाजमी है। लाजमी से मुराद सर के जिसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है सर। कंसिडरेशन पे हम मौजूद हैं और देखेंगे कि कंसिडरेशन होती क्या है सर। कंसिडरेशन इज डिफाइंड एज द प्राइस फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बाउंड एंड द प्रोमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज इन्फोर्सेबल। सही ना, अगर कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी किसी प्राइस के अगेंस्ट किसी वैल्यू के अगेंस्ट सर, जब भी वो एक कंसिडरेशन कहलाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर, एक गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई प्राइस एक्सचेंज नहीं हो रही होती। सही है, इसलिए उसको कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, कोई प्राइस नहीं है। सही है सर। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? सर जब कंसिडरेशन नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता सर, लेकिन कुछ जगहों पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करता है, इनफोर्सिबल है। ठीक है सर, किन जगहों पर? वेयर द एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर सच एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग रजिस्टर्ड अंडर द लॉ made on account of love and affection and between parties standing in a near relation to each other. Sir, जैसा कि बाप बेटा, माँ बेटा, मियाँ बीवी, ठीक है, और example देख लेते हैं। A Hindu husband by a registered document promised to pay his wife 1,000 rupees per month as her pin pocket money. This agreement is valid. A Hindu husband by a registered document after referring to quarrels and disagreements between himself and his wife promised to pay his wife 1,000 per month for her maintenance. It was held that his agreement was void because there was no natural love and affection. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने disagreement होने पर ये फैसला किया कि मैं तुम्हें 1,000 rupees per month दूंगा, इसलिए ये natural love and affection पे नहीं बल्कि disagreement पे base करता है, इसलिए agreement नहीं कहलाएगा। सही, हम क्या पढ़े सर? हम एक rule की exception पढ़े। कौन सा rule? वो rule जिसमें कहता है कि contract तभी बनता है जब कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन बोलता है कि कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर प्राइस एक्सचेंज हो रही, जिसमें वैल्यू एक्सचेंज हो रही, उसके अंदर कोई प्राइस या वैल्यू होना लाजमी है, जब भी जाके वो एक एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। अगर वैल्यू नहीं होगी, प्राइस नहीं होगी तो कंसिडरेशन कहलाएगी ही नहीं, और जब कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। पहली एक्सेप्शन क्या थी? एग्रीमेंट जो के ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे हो, वो ठीक है, वो हम बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। दूसरा, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट। सही है, जैसा कि एक्स फाइंड वाई पर्स एंड गिव इट टू हिम, वाई प्रॉमिसेस टू गिव 500 टू एक्स, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कंसिडरेशन डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ वाई। सही है, कंसिडरेशन वाई के कहने पे डिजायर पे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक कंसिडरेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस किया था कॉम्पनसेट करने का। सही है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स, अ डेट बिकम्स टाइम बार इफ इट इज नॉट क्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट इट बिकम्स ड्यू, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग एंड साइन बाय द डेटर टू पे होली और इन पार्ट टाइम बार डेट, द एग्रीमेंट इज वैलिड इवन दो इट इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। सही है, मैंने बोला कि भाई मैं आपको चेक दे रहा हूँ, जाके चेक, मैंने आपको 10,000 देने ना, ये लो मैं आपको चेक बना के दे रहा हूँ, आप जाओ और जाके अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लो। आप बैंक में गए ट्रांसफर करवाने 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने का टाइम होता है, उसके बाद डिसऑनर हो जाता है, चेक वैलिड नहीं रहता। अब आप 6 महीने के बाद जब गए और आपने बैंक वाले को दिखाया तो बैंक वाले ने बोला भाई टाइम गुजर चुका है, ये इंस्ट्रूमेंट टाइम बार्ड हो चुका है, तो क्या इस इंस्ट्रूमेंट के टाइम बार्ड होने से मेरी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी? नहीं, मेरी ऑब्लिगेशन तो फिर भी रहेगी ना, मैंने तो उसको देना ही है ना यार। सही है, तो यही वही बात बता रहा है कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, क्या मैं उसको प्रॉमिस करूंगा भाई मैं आपको जो टाइम बार्ड हो चुका है ये मैं आपको दोबारा पे करूंगा, दोबारा आपको दूंगा ये चीज। सही है, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, गिफ्ट क्या है भाई? एक्चुअली मेड बाय डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर वैलिड इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, दैट्स अ कंप्लीट गिफ्ट्स नीड नो कंसिडरेशन। एक्स ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू वाई, एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एक रिटन एग्रीमेंट के साथ, ये क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इवन दो नो कंसिडरेशन मूव। सही है सर, क्या एसेंशियल्स हैं
कंसीडरेशन कब कब कराएगी, कब कब ये चीजें मौजूद होंगी तो ही वो कंसीडरेशन कराएगी, अदरवाइज नहीं कराएगी। और देखो इट मस्ट बी गिवन ओनली एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सही है, क्या मतलब ये वाली चीज कैसे पहले होनी चाहिए थी, पहले मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन चलो जब ऊपर पीछे बात है ना ये वाली, अगर आप मैंने आपको लिखवाया एक्सेप्शंस जो हम पढ़ रहे हैं रूल का, उसके अंदर जो मैंने आपको लिखवाया है दूसरा वाला प्रॉमिस टू कंपनसेट में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि एक्स फाइंड वाई पर्स, एक्स ने वाई का पर्स ढूंढा और वाई ने एक्स को 500 रुपए देने का वादा किया। सही है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कंसीडरेशन डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ वाई। सही है, अच्छा एसेंशियल्स पे आ जाओ। सबसे पहला है इट मस्ट बी गिवन ओनली एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एन एक्ट कंस्टिट्यूटिंग कंसीडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। भाई प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पर ही वो डिजायर किया जाए, वो उसकी डिजायर पर ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अभी नहीं मांगा तुमने दे दिया। ठीक है ना, दस एन एक्ट डन एट द डिजायर थर्ड पार्टी और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसीडरेशन। भाई मैंने आपको प्रोमिस किया कि मैं आपको मोबाइल दूंगा आप जब मुझे 10,000 रुपये दोगे, अब मैं आपसे डिजायर जो करूंगा 10,000 की वो मैं करूंगा तो आप दोगे, अगर मैं नहीं करूंगा किसी और ने आपसे डिजायर कर ली और आपसे बोला कि भाई वो जो भाई साहब ने पैसे आपने जो मोबाइल बेचा है वो जरा मुझे दे दे, मैं आपको बोल रहा हूँ दे दे तो मुझे दे दे, तो मेरी जबकि प्रोमिसर की डिजायर पर बात नहीं थी और आपने 10,000 रुपये दे दिए, तो क्या उसके पास माना जाएगा कि 10,000 पहुंच गए? नहीं, इसलिए प्रोमिसर की डिजायर पर ही कंसीडरेशन पास होनी चाहिए। It may move from one person. Consideration may move either from the promisee or from any other person, that is stranger. This it is immaterial that who finishes the consideration. Therefore, it may move from the promisee or any other person. But it's necessary not that the promisee is only perform the promise. It is possible that this person will transfer to another person his obligation. Like I have given the mobile, you have to give me 2,000, but he has not given it. He has given it through his brother. Right? तो अब जाहिर सी बात है एक भाई स्ट्रेंजर टू द कंसीडरेशन है बट वो ऑब्वियसली देकर तो उसी के पैसे आया है ना। सही, तो देयरफॉर इट मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन। इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। भाई पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। जैसा कि द कंसीडरेशन व्हिच हैज ऑलरेडी मूव्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पास्ट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट and move after the formation of agreement is called future consideration. Past future consideration तो बहुत सिंपल सी बात है, agreement होने के बाद जो होगा future consideration होगा। obviously मैंने mobile का ये बात कर लेते हैं, अगर mobile के मैंने agreement किया और बड़ी सिंपल सी बात है mobile के agreement करने के बाद उसने मुझे पैसे दिए वो future consideration का लाइक। present consideration का मतलब भाई मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और आप पढ़ाओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको आप मुझे उससे पहले इसकी फीस दोगे तो ये past consideration होगी। प्रेजेंट कंसीडरेशन क्या होगी कि भाई मैंने आपको लोन दिया है 1,00,000 का, अब आप मुझे 10 महीनों में 10,000 करके दोगे, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है। इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। भाई कोई वैल्यू होनी चाहिए उसकी, कोई प्राइस होनी चाहिए, बगैर प्राइस और वैल्यू के ना हो। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। अच्छा जी, तुम मुझे मोबाइल बेच दो, मैं तुम्हें इल्म दूंगा, मैं तुम्हें जनरल नॉलेज की चीजें बताऊंगा, बड़े मजे मजे की, मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताऊंगा, क्या मजा आएगा यार, सुनो तुम, बस तुम मुझे मोबाइल बेच दो। तो ये क्या है, ये रियल कंसीडरेशन नहीं है, एक इल्यूजनरी कंसीडरेशन है। सही ना, एक इलस्ट्रेटिव है। समथिंग अदर देन प्रॉमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। सही, छठे एसेंशियल पे आ गए, समथिंग अदर देन प्रॉमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली बात है अगर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के अलावा कुछ आप किसी और चीज के पैसे दे रहे हो तो वो कंसीडरेशन नहीं कहलाएगी। मैंने बोला भाई मैंने आपको मोबाइल दिए थे आप मुझे 2,000 तो दे दो, तो उसने बोला यार मैंने तुम्हारे ना पिछले 3,000 देने थे, ये लो 3,000 तुम्हारे पिछले दे दिया, इसमें 2,000 भी दो जो तुम्हें देने थे वो भी इसमें काउंट कर लो। क्या कंसीडरेशन कहलाएगी इस एग्रीमेंट की? नहीं, ये तो पुराने एग्रीमेंट की कंसीडरेशन थी, इस वाले एग्रीमेंट की कंसीडरेशन नहीं कहलाएगी। सही है, इट मस्ट बी लॉफुल। सर ऑब्वियसली लॉफुल होना जरूरी है उसका, लॉफुल भी हो और पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट ना हो। सर क्या मतलब, अगर ऐसा हो कि भाई मैंने आपको मोबाइल बेच दिया अब आप भी मुझे बदले में सौदा हुआ कि किसी ना किसी चीज़ की एक्सचेंज में आप मुझे मोबाइल बेच रहे हो, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आपने मुझे मोबाइल बेचा मैंने आपको 2,000 देने, नहीं मैंने आपको चीज़ दे दूँ 2,000 की तो चलेगा? उसने बोला चलेगा। मैं गया मैंने स्ट्रीट लाइट की लाइट निकाली 4-5 2,000 की वैल्यू की चीज़ें निकाल के मैंने स्ट्रीट लाइट की दे दी, क्या है ये एक इनलीगल कंस्ट्रक्शन। अच्छा सर कैसे फैसला किया जाए कि ये कंसीडरेशन लॉफुल है या नहीं?
सो इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि अगर कानून ने मना किया हुआ है इस कंसल्टेशन के बारे में तो ये नहीं कहलाएगी। सिंपल सी बात है, कानून ने ही मना किया, भाई लॉ ने मना किया हुआ। इफ इट डिफीट सेकंड, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ की प्रोविजन को, ऊपर वाली बात है कि या तो लॉ या प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, भाई एक फ्रॉड के तहत आपने कंसिडरेशन दे दी, यानी कि आपने मुझे 2000 दिए हैं वो किसी से चुरा के दिए। इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन, और ना सिर्फ मैंने उससे छीन के दी बल्कि उसको गोली मार के भी दे दी, तो ये आ जाएगा इंजरी टू पर्सन। पांचवा, इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, अगर कोर्ट उसको इमोरल हरकत करार देता है जब भी वो एक ऐसी कंसिडरेशन कराएगी, कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज नॉट लॉफुल, विच इज अनलॉफुल। ठीक है सर, आसान आसान सी चीजें चलती आ रही हैं, कोई इसमें तीर या तोप की बात नहीं हो रही, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है ना, सर तो चार चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, अब हम चैप्टर 5 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे। सही है, कोशिश मेरी यही है कि आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें करवा दी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये लेक्चर सारे रिकॉर्डेड हैं बेटा, आप सुकून से बैठ के घर पे आराम करोगे, जरा आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप शक्ल लेकर अभी नहीं आ सकते थे क्लास में, इसलिए आप तमाम लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर बना दिए हैं, सुकून से बैठो घर में, फुल एसी खोलो, भले तुम बेड पे लेटो, तुम चादर ओढ़ के लेट के चादर के अंदर पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ना चाहो तुम पढ़ो, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, उसको खुदा का वास्ता जाया मत करना, मेरी मेहनत लगी इसमें जाया मत करना। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, बिला झिझक मैनेजमेंट से रابطہ करें, आपको जहाँ से भी ये लेक्चर मिला है आप वहीं से मैनेजमेंट से रابطہ करें। आपको हमारी वेबसाइट भी पता है, आपको स्टार्ट में ही बता दी थी, और साथ में आपको एक एक चीज़ मैंने बता दी, लेक्चर 1 में सब कुछ मौजूद है, तो आप बिला झिझक आराम सकून से ये चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का सवाल हो मुझसे पूछ लो बेटा, बस घरेलू मसले मत दिखा देना, सर मेरी जो है वो दोस्त मुझे छोड़ के चली गई, और लड़के बोलेंगे सर मेरा दोस्त मुझे धोखा देके चला गया, सर क्या करूँ मैं। बेटा मैं आमिल बाबा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ उसी में मेरी कमांड है, और वही मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एक एक छोटा सा एक वक्फा लेंगे, सही है, जब तक आप ऐड देखें, ऐड आएंगे आपके पास, सही है, ऐड आप जब तक देखें, मैं छोटे से वक्फे के बाद चैप्टर 5 से स्टार्ट करूँगा।